पहले वहाँ साहित्यकार के क्रम में जनो साहित्य कार जनो समाज सक टिट कर रहले ते द्वारे ते ही नहीं रहा है उनका दोनों समाज से मतलब है नहीं रहा है खाली अपन लिखते हैं और आपस में गोष्ठियों कथा कथा बैठ के ले समाज के लिए जना आर्थिक स्थिति जो खराब भी देगे ना उनका समाज खाली साहित्यकार है दोषी नहीं छह लेकिन जना बुराई नीति से दूर रह ले प्लेटो कहने छथिन जे पढ़ल लिखल आदमी सब पे एक सजा छे प्रभुत द्वारा शासित राज में रह पर तो मैथिली साहित्यकार राजनीति और समाज से किछ बेसी हमरा लागि रहल अछि कि गेल छथि आन भाषा के फैशन के तौर पर खाली साहित्य रचल गेलै पढ़ल गेलै सुनल गेलै सीधा आप बेसी भर रहल छी पहिने पहिने पुराण पुराना साहित्यकार सब भी रहे एकटा हरिमोहन झा के छोड़ देल जाए तो लगभग जो साहित्यकार गाम गाम में पहिने मिथिला में ही निकले चले गाम गाम जाए चले मिथिला में ही बंद हो गए पर हरिमोहन झा के कथा के अतिरिक्त कोनो साहित्यकार तक नहीं लग रहा था गाँव तक एक्सेप्शनल कि अन्य भाषा से हम कखनो पटना जाए छी त हमरा दू चार सेट जे अहाँ जे तीन भाग कहलहुँ जे निकलल छै हमरा एतऽ सँ फोन जाइते कि हमरा लए एक सेट लऽ आनु हमरा लए एक सेट ओ अखनो बरकरार छै ओ जे तिलस छै दोसर साहित्यकार सब किया नहि अपना जैसे आर टाइम जैसे प्रथम फलाना प्रथम ई लिखलै प्रथम ई लिखलै मतलब ओकरा जे जनजीवन से नहीं जुड़ सके हिस्ट्री बुक में रह गए थे प्रथम थोड़ा पार्ट जो क्यों देखल के नहीं पड़ा तो फैस्टिक वस्तु रह गई प्रेम का है तो कारवा से रह गया तो कहना आप इसे एक अंतर बहुत कुछ हिस्ट्री है जगह चले हैं साहित्य पॉपुलर भेलना से कोन कारण से भेलना ना आगा फिर किया नहीं जे साहित्य छी से आम साहित्य मने आम साहित्यकार सबके क्या ना एप्लीकेबल भेलै से एकटा निष्क्रिय चीज है जकर कोनो रेडीमेड सॉल्यूशन लोक नहि ताकि सकल जखन कि हरिमोहन झा साहित्यके बारेमे सेहो आलोचना कयल जाइ छै जे जे समाजके पेंट कयलनि ओ से सम्पूर्ण समाज नहि छै विशिष्ट वर्ग वर्गके लऽ कऽ शोर छै तऽ से हुनकर साहित्यसँ वञ्चित देखाब छनि लेकिन तकर बावजूद एतेक पॉपुलर ओ केना भेला एखनो कोना छै अथी ई एकटा मिथिलाके बात छै जेकि बहुत
बहुत एक्सप्लेनेबल एकंदर नहीं मिले पाठक कॉलेज के साहित्य के लोग पाठक के जन्म पाठक वर्ग रूप में एग्जिस्टेंस में जाए आयल से उनके साहित्य के बर्बाद साहित्य मात्र मनोरंजन के दृष्टि से रहना चाहिए या उसमें किस संदेश से रहना चाहिए मतलब मनोरंजनों के दृष्टि से संदेश हो दिल जा सके यह तो सबसे बड़का पंजाब साहित्य के यह तो संदेश मतलब लोग के एजुकेट करवा जो चाहे सेल्फ एनालाइज करवा जो साहित्य से मनोरंजन अक्सर मनोरंजन तो पहले बहुत अच्छे हैं जब से लोग के मनोरंजन में मनोरंजक में बस घटते हैं तब से ना उसका पढ़ा था आगू दस में आगू बढ़ा इस बार मनोरंजन तो चाहे करी लेकिन मनोरंजन ने अंतिम उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए मनोरंजन साफ बुझाकर कुछ एजुकेट करवा तो अंतिम ध्येय सह रहना चाहिए एजुकेट करवा तो सही इस पर डिपेंड करते हैं कौन स्तर के पाठक है इस पर डिपेंड करते हैं या बड़का पंजाब साहित्य के ये एक बड़का इवेंट है जो विभिन्न स्तर के लोग के लिए विभिन्न अर्थ साहित्य के से ये सेल्फ एनालाइज करना चाहे करवा सकती है ग्राम चाहिए और करो चाहिए उससे सेल्फ एनालाइज करो जरा खाली मनोरंजन चाहिए हंसबाक बस मसाला भेटबाक चाहिए और स्तर उतने दर छे वैसा आगा नहीं छे तकरा से बस भेटते विभिन्न स्तर के लोग के लिए जकर जे आवश्यकता छे तकर पूर्ति वैसा से ग्राम रहे छे बेर बेर जे हम सब सुनै छै मैथिली भाषा मे रहल अछि पढ़ि रहल अछि मानि लिअ कि आधा दिल्ली मे जते गोटे छथि आधा नेक्स्ट जनरेशन नहि पाय हमरा सब किया चीज देखो बंगालो से बहुत बेसी माइग्रेशन भेलै पूरा जे इंडिया के बाहर मे रहि रहल छथि हुनकर सब भाषा अंग्रेजी भऽ गेल छनि तऽ जे छोड़ि देलखिन जे मतलब छथि भाषा तऽ हमरा हिसाब से जे हजारो वर्ष से रहलै हैं बहुत कम लोग विशेष रूपे तुलसी वृक्ष था शिवलिंग पर लटकाए प्रतिदिन जल सँ भरल जाय जकर जल बूंद बूंद खसैत अछि पन्ही बियर छाता में ही वस्त्र चानन जलपात था फूल सँ निर्मित मंडप देवता के प्रसन्नता के लेल देबाक चाही घट दान विधि स्नानादि नित्य क्रिया करे पूब आ उत्तर मुँह बैस यव सौ भरल सर्वासों झापल जल भरल घेर आगाह कर ब्राह्मणक स्थान में तिक्षा ब्रह्माक स्थान में तिक्षा राखि दोसर तिक्षा फूल अक्षर चाड़ल लय घेरक ऊपर ओम वायुपूर्ण धर्म घटाय नमः तीन बेर कहथि ओम वायुपूर्ण